मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सफाई का, नफासत का, हुजूर के हुस्न का, जाहिरी हुस्न का जो अल्लाह ने दिया था, उसका हाल यह है कि रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की भी कसम हो, और जब उसके गिर्द जुल्फें छा जाती हैं मुझे उसकी भी कसम हो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी पाक के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, ना चांद तोड़ते, ना डूबा सूरज मोड़ते, ना दरख्तों से कलमा पढ़वाते, कोई मौजज़ा ना दिखाते, फिर भी नबी पाक का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी हुस्न का हाल था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के महबूब आईने के सामने खड़े होकर कंघी फरमाते थे, तेल इस्तेमाल फरमाते थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने बालों के दरमियान से मांग निकालते थे, आधे बाल एक तरफ होते थे, आधे एक तरफ होते थे, और सहाबा फरमाते हैं कई दफा हुजूर इमामा उतारते तो उन बालों के बीच जो खुशबू लगी होती उसका रंग भी हम देखा करते, हुजूर साफ लिबास पसंद करते थे। एक शख्स को हुजूर ने देखा, उसने मैले कुचैले कपड़े पहने, तो हुजूर ने ठंडी आह भरी, फरमाया काश ये धो के कपड़े पहनता। एक शख्स को देखा बाल बिखरे हैं, कंघी नहीं की, तो हुजूर फरमाने लगे काश ये कंघी कर लेता। नफासत पसंद आदमी पे ना बोझ बनता है। जो आदमी, आपको पता है कि इमाम शाफी तो फरमाते हैं जुमे वाले दिन गुसल करना वाजिब है, मते गुसल ना करे तो जुमा ही नहीं होगा। अगरचे हमारे इमाम साहब के नजदीक सुन्नत है, ये सुन्नत कब बना? एक दिन ना बहुत सारे लोग अपने अपने काम से उठे, मस्जिद में आ गए, मस्जिद नबी में। कोई किसान था तो खेत से उठ के आ गया, कोई मजदूर था तो मजदूरी से उठ के आ गया। तो मस्जिद में जब बहुत सारे लोग जमा हुए ना, तो बाद लोगों को दिक्कत महसूस हुई, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना ही अच्छा हो कि तुम जुमे वाले दिन नहा के आया करो। बस वो सहाबा का मिजाज हमारे वाला नहीं था कि तफसील बताएं, हिकमत बताएं, मिलेगा क्या, सवाब कितना, ना नहाए तो गुना, ये कोई नहीं। हुजूर ने कहा कि नहा के आओ तो कितना ही अच्छा है। फिर किसी सहाबी ने कभी भी बगैर गुसल किए जुमा अदा ही नहीं किया, किसी ने बगैर गुसल के कभी जुमा अदा ही नहीं। ना इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, हुजूर ने फरमाया जो कच्चा प्याज खाए वो मस्जिद ना आए, पहले मिसवाक करे, दांत साफ करे, फिर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कच्ची मूली खाए मस्जिद ना आए। मूली खाना जायज है, प्याज खाना जायज है, लेकिन मुंह से बदबू आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जाहिरी हुस्न क्या बात है। मिलादे मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो चीज बड़ी खुल के वादे आती होती है वो रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल है। आपकी वालदा, आपकी वालदा, आपकी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला, अम्मा जी कहती हैं कि मेरे महबूब जब मेरे बतने अकदस में आए तो जो तकालीफ औरतों को होती है मुझे उनमें से कोई तकलीफ भी नहीं हुई। और अम्मा जी कहती है मुझे कभी कोई सिकल, कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। और फरमाती हैं कि जो विलादत के वक्त लोगों को, औरतों को तकलीफ होती है मुझे वो भी नहीं हुई। और फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की नाफ को काटना नहीं पड़ा, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। आपको पता है औरतें गुसल देती हैं बच्चे को पैदा होने के बाद, लेकिन मेरे महबूब ने सजदा ही कर लिया पैदा होते ही, उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और पहले सजदे पर रोजे अजल से दुरूद। मेरे इमाम फाजले बरेलवी का जो अंदाजे तकल्लुम है ना, उसकी भी हादी कोई नहीं, कोई हादी नहीं। कहां तक उनकी मोहब्बत जाती, कहने लगे पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाख गुसल। बताइए बगैर वजू के, बगैर गुसल के सजदा हो जाता है? तो हुजूर ने सजदा करके बताया कि अल्लाह ने मुझे पाक साफ पैदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने जब ये बातें इरशाद फरमाईं तो लोगों ने पूछा उनसे कि अम्मा जी फिर आप एक जुमले में बताएं कि माजरा सारा क्या था, आखिर एक विलादत तो हुई ना, आपके वजूद अतहर से एक बच्चा तो निकला, तो ये क्या था? तो सैयदा आमना फरमाने लगी खाराजा मिन्नी नूर, बस मेरे वजूद से एक नूर निकला है, बस मेरे वजूद से एक, और रोशनी आती जाती है तो किसी को तकलीफ नहीं देती, एक नूर निकला। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को जाहिरी हुसन भी कमाल दिया, और फिर हुजूर की नफासत पसंदी, सफाई पसंदी। नबी पाक जब बात करते थे ना तो हुजूर के दांतों से नूर निकलता, इसके बावजूद हुजूर हर वजू के लिए मिसवाक करते। मैंने हर नमाज के लिए नहीं कहा, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। किसके लिए बोले आप हजरात? हर वुजू के लिए, यानी अगर नबी पाक ने वुजू नमाज के लिए किया तब भी मिसवाक की, और अगर कुरान शरीफ की तिलावत के लिए किया तो फिर भी मिसवाक की, किसी और मौके के लिए वुजू फरमाया तो फिर भी मिसवाक की। और सय्यदा आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर से निकलने लगते पहले मिसवाक फरमाते, हालांकि रसूल पाक के दंदाने अकदस तो नूर वाले थे,
जरूरत ही नहीं थी हमारी तालीम के लिए नफासत पसंदी। एक बात मैंने शुरू करनी है पर आपने नाराज नहीं होना, पहले वादा कर लें, जेडे नहीं बोले उन्होंने की इरादा है, हो जाना है, चलो हो जाए, कोई गल नहीं, खैर है, हो जाए आप नाराज। नबी पाक ने बड़ी मूछें नहीं पसंद की, हुजूर को अच्छी नहीं लगती थी। एक बात पूछता हूं आपसे, ये दर्द दिल है मेरा और सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, कोई तनकीद नहीं, अल्लाह ताला मुझे नियत का वजू अता करे। एक बात बताना, अगर बहू खाना पका के लाए और सालन से बाल निकल आए तो फिर उसका क्या हाल होता है? कई तो बूढ़े प्लेट उठा के दीवार में मारते हैं, ऐसा ही होता है ना, ये क्या है? और अगर कभी रोटी से निकल आए तो बीवी साहबा का क्या हाल होता है? ये कोई तरीका है खाना पकाने का? और अल्लाह ताला माफ करे अगर कभी होटल में चले जाए अमीर लोग 15,000 का डिनर करने, तो वहां किसी सालन की प्लेट से बाल निकल आए तो फिर तो पैसे क्या देने हैं, फिर तो उनको और जुर्माना हो जाता है। ये तो सारे बाल निकल आए तो मुश्किल, और वैसे भी जो नफासत है ना तबीयत की, उस पर बोझ बनता है, बाल खाने में हो आटे में हो तो बोझ बनता है। तो बड़ी मूछों वाला दोस्त भाई बुजुर्ग जब पानी पिएगा तो बाल पानी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हकीम और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर के मर्ज का खतरा है। अब बाकी भी राजी ना हो, हुजूर ने बड़ी मूछें भी पसंद नहीं की और छोटी दाढ़ी भी पसंद नहीं की। हुजूर ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछों को पस्त करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। और एक मकाम पे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो मूछें पस्त नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। ने सख्त लफ्ज, एक सहाबी थे, आप यकीन करें ना कई दफा दोस्तों को कहना पड़ता है, और कई दफा ना मुझे महसूस होता है कि यार हम रोज ही कहते हैं, लेकिन कहते पता क्यों है कि बोझ बनता है वो बंदा जो इस तरह की तबा के साथ आता है, जो हुजूर ने पसंद नहीं किया। एक शख्स नबी पाक के सामने आया, काजी अब्दुल दाइम दाइम साहब ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहने लगे हुजूर के सामने वो अक्सर आया करता था तो मूछें बड़ी थी, हालांकि दाढ़ी भी बड़ी थी मूछें भी बड़ी थी, दो चार दफा हुजूर ने बातों बातों में तातुल लफ्ज समझाया। कुछ बंदे नहीं समझते, तातुल लफ्ज समझाओ या बड़ा खोल खोल के समझाओ पर बात समझने को तैयार नहीं होते। पता नहीं क्या ऐसा हुसन है भाई, जो हुसन नबी पाक ने पसंद नहीं किया वो कभी हुसन हो सकता है? कभी खूबसूरती हो सकती है? वो किसी का जाती कल्चर तो हो सकता है पर दीन की तहजीब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई दफा समझाया तो उनकी समझ में बात ना आई। एक दिन वो बैठे हुए तो हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया कैंची लाओ, कहने लगे मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होने लगा है। साथ ही हुजूर ने फरमाया एक मिसवाक भी लाना, कहने लगे मैंने कहा बचत हो गई, मेरे तो दांत साफ है, तो ये शायद उसकी बात होने लगी है जिसके दांत भी ठीक नहीं। दोनों चीजें जब आ गई ना तो हुजूर उठे और नबी पाक ने मिसवाक उनके होंठों पे रखी, उसी से आबी होंठों के ऊपर मिसवाक रख के तो ऊपर से हुजूर ने मूछें काट दी। फरमाया ये ना ऐसा करो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। हुजूर ने नफासत पसंदी को, अब तो अल्लाह ताला खैर करे मलांगा आ गया मार्केट में, मलांग दरवेशी फकीरी, उनके पास राश भी ज्यादा है, उनके दरबारों पर भी राश ज्यादा है। जी कहते हैं हजरत साहब दरवेश आदमी है, भाई रोटी तो पूरे टाइम पे खाता है, मूछे कटवाने में ही दरवेश हो गया, ना बाल कटवाता है ना मूछे कटवाता है। ये गुरु नानक की तालीमात है, ये नबी पाक की तालीम नहीं, वजूद का कोई बाल ना कटवाना ये सिखों का तरीका है, मुसलमानों का ये अंदाज, ये किधर की फकीरी है? दीन कोई गलाजतों वाला है माशाल्लाह कि बाबा कपड़े नहीं बदलता, बाबा गुसल नहीं करता, बाबा बाल नहीं कटवाता, बाबा पागल है? कती तौर पर कोई फकीरी नहीं, फकीरी सिर्फ वो है जो मेरे नबी ने किया है सल्लल्लाहु ताला। इस मिंबर पर बैठना फकीरी है क्योंकि हुजूर हर जुमे बैठा करते थे, मुसल्ले पे नमाज पढ़ाना फकीरी है क्योंकि हुजूर हर जुमे हर पांचों नमाजों की हुजूर इमामत फरमाते थे, दीन की तबलीग करना फकीरी है जो मेरे नबी पाक किया करते, खिलाफ पैगंबर कसे राह गुजीर, वो फकीरी नहीं वो तमाश भी नहीं है, लूटने का तरीका है, इसके अलावा कोई स्टाइल नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो रास्ता मेरे रसूल पाक ने हमें अता फरमाया, उससे हटकर कोई फकर नहीं। मेरी बात की समझ आ गई आप हजरात को? नबी पाक अलैहिस्सलाम साफ लिबास, अच्छे कपड़े, उजला अंदाज। अच्छा जो बात जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं उसको समझे, एक आदमी जाहिरी तौर पर बड़ा खूबसूरत हो पर कपड़े मैले कुचैले पहने, वो भी बंदा अच्छा नहीं लगता, जाहिरी भी हुसन हो कपड़े भी उसके साफ हो लेकिन बोले सख्त बातें, तुर्श करे तल्ख जुमले बोले तो उसकी भी सारी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती खत्म। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नूरानी चेहरा था, बड़ी खूबसूरती थी, बड़ा साफ सुथरा था, बड़ा पाकीजा था, कपड़े भी बड़े खुशबू वाले पहने हुए थे, बड़े साफ सुथरे लिबास में मलबूस था, लेकिन जब उसने बात शुरू की और बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी थी, माज अल्लाह ताला किसी बच्चे को गाली दे दी, अच्छा लगता है? मुझे बताएं उसके पास बैठने को दिल चाहता है? उसकी सारी पर्सनैलिटी जो होती है वो खराब हो जाती है, शख्सियत का जो एक भरम होता है वो टूट जाता है। एक रवायत मेरी नजर से गुजरी और क्या ही अंदाज है, इमाम ज़ुरकानी ने लिखी, एक सहाबी हैं हजरत अबू
करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं छोटा था, मेरी अम्मा और मेरी खाला मुझे साथ ले गई। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे आओ नबी पाक का कलमा पढ़ने जाना है। पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए, फिर पढ़िए एक दफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि, हुजूर का जिक्र हो तो फौरन दुरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना मेरी खाला और मेरी अम्मा दोनों मुझे साथ ले गई कलमा पढ़ने। कहते हैं जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, वापस आए तो मेरी अम्मा और मेरी खाला आपस में बात करने लगी। मेरी खाला कहने लगी तूने देखा है उनका बोलना कितना मजेदार था। मेरी खाला कहने लगी तूने तो वो देखा, लेकिन वो जो गुलाम आया था उसके साथ उनका रवैया कितना प्यारा था। तूने देखा जब वो खाना खा रहे थे तो पहला ख्याल उन्होंने हमारा किया। बार बार वो इनका जिक्र करती, कहते आपस में हुजूर की शानें बयान करती, मेरी अम्मा भी मेरी खाला भी। बिलाखर बात लंबी हो गई तो मेरी अम्मा बोली, कहने लगी बस कर, हम कितनी अजमतें बयान करेंगे, मुझे तो तीन बातें समझ में आई हैं। कितनी? तीन बातें मुझे समझ में आई हैं। कहा वो क्या? तो कहने लगी मां राई ना मिसला हाजुर राजुली अक्साना वजहन वला अलका सोबन वला अलबना कलामन। कहने लगी मुझे तो तीन बातें समझ में आई हैं कि ना इतना खूबसूरत चेहरे वाला कोई शख्स देखा है, और ना इतने साफ कपड़ों वाला को देखा है, और ना ही इतनी मीठी बोली बोलने वाला कोई देखा है। तीनों बातों की कमाल है, जारी हुसन भी कमाल, कपड़ों की सफाई भी कमाल, और रसूल पाक का बोलना भी कमाल, लबो लहजे में मिठास भी खूबसूरती वाली। ये असल हुसन है कि जाहिरन भी इंसान बड़ा मुनज़्ज़ा हो, बातिनन भी बड़ा साफ सुथरा हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है मुबारका पता क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ लेते तो हजरत जईफा रदी अल्लाह तआला ने फरमाते, बुखारी की हदीस है, फरमाते मैं मदीना शरीफ में आया तो हुजूर नमाज पढ़ लेते तो सहाबा नबी पाक के पास आते और हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के पहले चूमते फिर चेहरों पर मलते, पहले चूमते फिर चेहरों पर। नबी पाक के सहाबा हुजूर के कदम भी चूमा करते, कदमों में झुका करते थे। ये तो भाई उस वक्त पता चलता है जब किसी से प्यार हो जाता है, जब किसी बंदे से। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ अक्सर कि किसी का बच्चा पेशाब करे तो कह आती है, उल्टी आती है, लेकिन अपना बच्चा बालों में भी कर देता है फिर कोई कह नहीं आती, क्योंकि अपना है ना, प्यार हो गया ना। अब वो कैफियत जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो कुछ चीजें सिर्फ समझने की नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस करने वाली होती। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तो उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तो उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। भाई याद रखो जब जब इंसान को मोहब्बत होती है तो फिर उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके तब्दील हो जाते हैं। वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, मैं कहता हूं बच्चा बाहर से बर्गर खा के आ जाता है रात को, अम्मा कहती है बेटे रोटी खा लो, कहना तुसा गोभी पकाई मैं नहीं खानी, हालांकि बर्गर खा आया है दूर से खा आया है। तो अम्मा उसको कहती है फिर मैं सवैया ना बना दूं थोड़ी सी अपने बेटे को, फटाफट चावल ना तुझे उबाल दूं साथ मैं बारीक दाल बना देती हूँ। कहते नहीं नहीं मेरी मर्जी का पकाते ही नहीं, मैंने नहीं खाना ऐसे। अब अब्बा जो है ना अब्बा वो अम्मा को समझा रहा, कहता छठ पर भुख लगेगी तो आप ही खा लेगा, थोड़ा एडी टेंशन लै एवं पे तेन सता है। अम्मा क्या कहती है? कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दें कि सियाणा ब्याणा है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है, लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता? क्यों नहीं समझा सकता कि उसे अपने बेटे से प्यार बड़ा है। वो क्या करे, वो मजबूर है, उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती? सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसे समझा सके, ये मुमकिन कैसे हो, कैसे सकता है? ये मोहब्बत है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जईफा फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सहाबा क्या करते, नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ते, पहले चूमते फिर चेहरे पे मलते। बुखारी है, फरमाते मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, फिर अचानक मेरा भी दिल किया दरा करके तो देखो, कुछ चीजें चखने पे पता लगता है कितनी मजेदार है। कहते मैं भी करीब गया, हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने हाथ डाला, फरमाते हाथ पकड़ा ही था कि नबी पाक का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। फरमाते हैं फिर मैंने पकड़ के चेहरे पे मला तो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी दस्ते मुबारक। फरमाते हैं अब मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था, अब मेरी तबीयत नहीं मान रही थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दलील हैं, हर पाकीजगी हर हुसन हर कैफ अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया। दुनिया की जितनी गलाजतें थीं जब कोई हुजूर के करीब जाता था तो सारी गलाजतें दूर हो जाती। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे।
तुम्हारी सारी नापाकियां नबी पाक दूर कर दे, हर गलाजत तुमसे दूर हट जाए। एक सहाबी है हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने उहद में कत्ल कर दिया। मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहि सलाम हवाजन की जंग के लिए निकले, मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं, तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मनसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ना हवाजन के लिए पहुंच चुके थे, फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते हैं लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे, कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो दो आदमी मिलके आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेजा कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं हैं। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के सामने। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई, अब जब वो रोशनी मदम हुई ना तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे। आपने मैंने कर दिया, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया है? जो जिसने तलवार ही लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु अलैहि हजरत फाजिल बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने है लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती है कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हजरत का फाजिल बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो सुन ले, ये पहली दफा नजर से गुजरा है, अभी सीधा साधा लेकिन रूह तक उतर गया। आला हजरत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर, बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, सादी सादी तबीयत पे ला, सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब यह भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर तीन थपकियां दी, एक थप्पड़ होता है एक थपकी होती है, पता है ना फर्क का? एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता है। कहते हैं हुजूर ने तीन थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, एक फिर दो फिर तीन। कहते हैं पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गया, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते हैं अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई, फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते पहले मैं बाप का बदला लेने आया था और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हजरत शैबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं, मैं एक कोने में बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या? हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ? कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शैबा एक इरादा तूने किया था जो गलत था और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो कुछ मांगना है तो। मैंने अर्ज किया यारसुल्ला मेरी बख्शिश की दुआ कर दो, बड़ा मेरा खौफनाक माजी है, मैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन रहा हूं,
हुजूर दुआ कर दें, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह है मेरे, दुआ कर दें। कहते मैंने दुआ के लिए कहा और हुजूर फिर दूसरे लोगों से बातें करने लगे, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। मैं सोचने लगा कि मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं आया। जब तो तीन बार मैंने सोचा तो मेरे करीम ने फिर तवज्जो मेरी जानिब की और फरमाया तूने बख्शिश की दुआ का कहा था, मैंने सुन लिया है, रब करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तेरी खताएं रब करीम ने माफ कर दी। नबी पाक के दस्ते मुबारक की बरकत। रसूल पाक एक सहाबी थे, हजरत फरकद उनका नाम था रदियल्लाहु ताला। पहले ना मैं जब गुफ्तगू किया करता था ना तो मैं सहाबा का नाम नहीं लेता था, मैं कहता था एक सहाबी फरमाते हैं, क्योंकि सहाबा के नाम मुश्किल थे, लोगों को याद नहीं रहते। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि नाम लेंगे नहीं तो इन्हें आएंगे कैसे, चलो खुद किसी को याद हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा, पिछली दफा मैंने हजरत सासा बिन नाजिया का नाम लिया तो मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा जरा लिख के दें क्या नाम था। मुझे खुशी हुई कि यार अगर ये लफ्ज कहे जाएंगे तो लोगों को दिलचस्पी होगी। हजरत फरकद एक सहाबी थे और ये वो सहाबियां जिन्होंने हजरत उमर के जमाने में मुसल का इलाका फतह किया था, बड़े दलेर थे, इनकी चार बीवियां थी। वो कहते हैं जब भी ये घर में आते तो खुशबू इतनी आला लगा के आते कि हम हैरान हो जाती। औरतें ज्यादा तैयारी करती हैं ना मर्दों से कि नहीं, क्या आजकल मर्द ज्यादा करते हैं? चलो मैं दर छोड़ो, मैं अपनी सलाह कर ला, तुम दोवें गल्लां ते अंजन कीता है, आ पता नहीं सच क्या है, कौन ज्यादा तैयारी करता है? चलो बैठे जो मर्द ने, वैसे मेरे पास जो अखबारी तराशे हैं उनमें यह लिखा है कि आजकल मर्दों के मेकअप पे ज्यादा खर्च आने लगा है, ये तहकीकी रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अखराजात हैं वो मेकअप के सामान के हैं। पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब लड़के भी जाते हैं, पहले सिर्फ दुल्हन जाती थी, अब सारा खानदान जाता है। अल्लाह ताला माफ करे। इसके बावजूद बड़ी गुर्बत है मुल्क में, परेशानी भी बड़ी है, इसके अलावा हमें गरीबों का दर्द है, इसके बावजूद हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। पता नहीं क्या तर्जमा किया हमने गरीब परवरी का, क्या माना बनाया, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो चीजें जिनकी बिल्कुल हाजत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, उन पर लाखों लुटा के कहते हैं वो देखो बेचारे को रोटी नहीं मिल रही। तो भाई आप मेहरबानी करते, खाली कंगी कर लेते, बाकी पैसे गरीब को दे देते। लेकिन चले मियार है ना हमारा, अपना 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 मियार है, उस पर मैं जाता नहीं, बात नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, उनकी अजवाज कहती हैं कि अब औरतें ज्यादा तैयारी किया करती थी, लेकिन वो जब घर आते ना तो इतनी खुशबू लगाते, कहती हम चारों मिल के कोशिश करने लगी, ढूंढने लगी कि वो खुशबू का पता करें जो ये लगाता है। हमने बाजार सारे तलाश कर लिए, अरब के अंदर आज भी खुशबू का बड़ा शौक है और बड़ी महंगी खुशबू मिलती है, कभी आप बाजार जाए। कहती सारी खुशबुएं लगा ली, थक गई। एक दिन चारों सौतने मिल के बैठी, कहने लगी हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, आज पूछ ही ले कहां से खुशबू लगाता है, पूछ ही लेते हैं, चलो बात ही खत्म हो जाए, पूछ ले ये, हम जितनी मर्जी आला लगाएं, जब ये आ जाता है ना, कुछ लोग मीरे महफिल होते हैं, जहां आ जाते हैं वहां छा जाते हैं, तो ये जब आते हैं तो छा ही जाते हैं, क्या करें, इस तरह का मीरे महफिल है, क्या करें इसका। फरमाने लगी एक दिन चारों सौतनों ने मिलकर उनको बिठा लिया, कहने लगी बताओ तो सही खुशबू कौन सी लगाते हो? कहने लगे कोई भी नहीं, कभी लगाई नहीं, आज तक नहीं लगाई। तो कहती है बीबियां कहने लगी सियाबा तो गलत बयानी नहीं करते, पर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप आते हैं तो हम हैरान हो जाती हैं। फरमाने लगे जिस दिन की तुम लगी हुई हो ना मेरी खुशबू का मुकाबला कर दे, मुझे पहले दिन का पता है। तो मैंने कहा चलो जोर लगा ही ले, देख ही लेते हैं कहां तक बात जाती है तुम्हारे पास, जितना जोर लगा लो। बहरहाल मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कभी नहीं लगाई। तो बीबियां कहने लगी फिर बता तो सही, तो एक दलेर आदमी है और जो दलेर लोग होते हैं वो खुशबुओं के और कपड़ों के और इन चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगाते, उनके तो मिशन और तरह के होते, आप तो मुजाहिद किस्म के आदमी है पर हर वक्त खुशबू आती है। तो हजरत फरकद रो पड़े, कहने लगे बीमार हो गया था, लाचार हो गया, हकीमों तबीबों ने इनकार कर दिया, वजूद पर मेरे आबले निकल आए, फिंसियां बन गई, उनमें पीप भर गई, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता, जब थक गया ना तो दरवाजा रसूल पे चला गया, जब थक गया तबीबों का थकाया सताया हुजूर की बारगाह में, का महबूबा देखे तो सही मेरा क्या हाल, हुजूर जरा देखे, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तेरे अलावा गम किसे बताऊं। कहते हैं हुजूर ने फरमाया सतर ढांप ले बाकी सारे कपड़े उतार दे, सतर ढांप ले। कहते हैं टखनों से लेकर नाफ तक मैंने सतर ढांप ली, बाकी सारे कपड़े उतारे, हुजूर क्या करेंगे। फरमाते हैं नबी पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, बर्फ से ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा महकने वाला, फरमाते हैं पूरे वजूद पर मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक एक दफा लगा दिया, अब जिधर जिधर से गुजरता हूं सारी दुनिया खुशबू से भर जाती है। ये नबी पाक का दिया हुआ नूर है, ये हुजूर की अता करदा शिफा है, ये रसूल पाक के हुस्न की खैरात है।
एक शायर ने एक फिक्रा का कमाल कर दी, कहने लगा जुल्मत के जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते खैर में वो बरकत थी। हुस्न की दो किस्में होती हैं, एक हुस्न होता है मुलम्मा साजी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, एक हुस्न होता है बातन का। बच्चे पता क्यों खूबसूरत होते हैं, इस पर उलमाए मनातका ने बहस की है, मुहद्दिसी ने लिखा है, बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है, छोटा बच्चा अगर उसका रंग बहुत गोरा ना भी होना सिर्फ छोटा हो वो प्यारा लगता है, उसमें एक जाज़बियत होती है। उस पर हमारे मुफस्सरीन ने मुहद्दिसीन ने उलमाए मनातका ने एक बहस की है, वो कहते हैं असल बात यह है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बदयानती नहीं करते, धोखा नहीं करते, ये जो अंदर की अय्यारियां होती है ना चेहरा भी खतरनाक कर देती, और जब अंदर हुसन होता है तो बाहर भी हुसन ही होता है। बच्चे में कोई मक्कारी अय्यारी नहीं होती, फसाद नहीं होता, नियत में फतूर नहीं होता, किसी को लूटने का इरादा नहीं, किसी को शीशे में उतारने का प्रोग्राम नहीं बताता, बच्चा चरब जुबान नहीं होता, उसको तरीका नहीं होता, वो लोगों को कायल करने के हर वक्त दौड़ता नहीं, उल्टी सीधी गेमें नहीं चलाता, क्योंकि अंदर हुसन होता है तो वो हुसन उसके चेहरे पर मासूमियत बन के आता है। समझ आ रही है मेरी बात की? उसकी दलील मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बुखारी में फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अब यहां ये नहीं फरमाया गोरा चिट्टा हो खूबसूरत हो, बस उसके चेहरे में मासूमियत होती है, वो सच्चा होता है, वो खरा होता है, उसका हुस्न चेहरे पे आता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था ना वो अंदर की सदाकत की रोशनी थी, वो अंदर के कैफ का नूर था जो हुजूर के चेहरे पर आया होता था। इसलिए नबी पाक का चेहरा जो था वो आंखें चुदियाता नहीं था बल्कि आंखों को अच्छा लगता था। शाह अब्दुल रहीम साहब मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद हैं, और हमारे बरसगीर पाक को हिंद में जितने भी मसालक हैं ये सारे शाह वलीउल्लाह साहब के शागिर्द बनते हैं। वो कहते हैं मेरे अब्बा जी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्हें रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शाह वलीउल्लाह साहब के अब्बा जी कहने लगे हुजूर एक बात बड़ी अड़ गई है मेरे दिल में बड़ी, तो किताबों से जवाब नहीं मिला, आज रब करीम ने मौका दिया है उस सवाल का जवाब। तो अब्दुल रहीम पूछो का या रसूलुल्लाह हजरत यूसुफ का हुसन देख के लोगों ने उंगलियां काट ली पर आपको तकने वाले तकते ही रहे, कोई भी होश नहीं हुआ, किसी ने उंगली नहीं काटी। तो कहते महबूब ने फरमाया अब्दुल रहीम रब करीम ने अपनी गैरत के साथ मेरे हुसन पर 70,000 पर्दे डाले, यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। फरमाया 70,000 पर्दों में छुपा हुआ हुसन है, वरना किसी की ताकत थी कोई बात कर सकता, जुर्रत थी किसी शख्स की? मेरे हबीब पाक सैयद आलम हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह तआला नो अहले यहूद के बड़े आलिम थे, फरमाते मैं तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला था, जिस दिन हुजूर मदीना तय्यबा एक कुस्वा नामी ऊंटनी पर बैठे थे मैं हुजूर से मुनाजरा करने बहस करने आया, मेरे साथ मेरे शागिर्द थे, इरादा था बहस करूंगा नबी पाक को बड़े माजल्ला कड़वे कड़वे सवाल करूंगा। कहते हुजूर बैठे थे कुस्वा नामी ऊंटनी पर और गर्दन मुबारक झुकी हुई, होंठों पर हुजूर के जेरे लब हल्की सी मुस्कुराहट थी, नबी पाक थोड़ा बोलते थे पर जितना बोलते थे वो दिलों में उतरता जाता था। फरमाते मैं जब गया ना मेरे शागिर्द साथ थे मुनाजरा करने गया, मुनाजरा शागिर्द साथ थे, फरमाते मैं बड़े सवालात तैयार करके गया पर हुजूर घोड़े पे बैठे थे, दो बातें मैंने सुनी, हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, अपने गुलामों का ख्याल करो। कहते वो शागिर्द मुझे धक्के देने लगे, कहने लगे चलो उस्ताद जी आगे हो करो सवाल, चलो ना आगे बढ़ो ना आगे, ये कई दफा नारे लगाने वाले भी मरवा देते हैं ना, चलो ना चलो आगे चलो बढ़ो आगे करो बात आओ ना। कहते मैं जरा आगे बढ़ा, धक्का दिया उन्होंने, फरमाते मैं आगे बढ़ा और मैंने करीब महबूब के करीब जाके कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे मैं मुसलमान होने आया। यानी आम आदमी तो कायल हो जाता है आलिम और तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला, हुजूर कलमा पढ़ाए। कहते मैं वापस आया ना कलमा पढ़ के तो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी आप तो मुनाजरा करने आए थे ये क्या हुआ? तो ये लफ्ज हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम के, फरमाने लगे तुमने नबी पाक का चेहरा नहीं देखा, उनकी आंखों की रोशनी नहीं देखी, तुमने चेहरे की मासूमियत नहीं देखी, लबो लहजे का वकार नहीं देखा, कितने दिनों के थके मांदे आज वो मदीने पहुंचे पर उनके लबो लहजे में कोई उकताहट कोई थकावट कोई लफ्जों में झोल तुमने देखा है? फरमाने लगे जिसका इस तरह कचेरा होता है वो झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत आरक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कलमा पढ़ने से पहले एक दफा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे, 6-6 महीने सफर करना होता था, ऊंट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती खाते भी पकाते भी। कहते एक सफर से हम वापिस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहो, फिर एक दफा पढ़िएगा
एक दफा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम तशरीफ लाए, कोई कबीले में से काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का, जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? काजी मुसाफिर है। कहां से आए हो? फुला जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का सौदा तय हुआ? उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने हैं। बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है, मैं अभी मदीने जाता हूं, अपने गुलाम को भेजता हूं और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊंट की लगाम था, मैं नकेल था, मैं ऊंट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार अब सियाने लोग हैं, समझदार हैं। उस शख्स का नाम पूछा आपने? कबीला पूछा है? एड्रेस का पता है? पता है कहां रहता है? इतना कीमती ऊंट दे दिया। सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तारो रफ्तार इतनी बावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर है, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे का आदमी, दौड़ के जाओ, दौड़ के, और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊंट दे जाओ, पैसे ले जा ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूंगी, कोई पीछे ना, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहरे अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करें, बताएं हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेरे अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी, मैं बस कर, तू बयान कर सकता है? इतनी ताकत। आला हजरत ने कहा लम जाती नजीर कफी नाजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। कहा हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी। कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी, मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्जों का हुसन देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते थे और गिने चुने लफ्ज बोलते थे, उनकी सादगी का वकार देखा, जाने दो ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरे बांध के तो पीछे डाली हुई, और देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरे डाल के पीछे। कहते हैं वो आए और उनके आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते हैं वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह उसमद करते पहुंच गए और आगे कहने लगे तुमसे मेरे नबी ने ऊंट खरीदा? तुमसे? कहा हमसे खरीदा है। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे? और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे और खजूरे खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो सरदार की बीवी ओठ हटा के कहने लगी ओ काले रंग के अबशी गुलाम, इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस इज्जत वाली माँ का नाम बता जिसके घर में ऐसा लाल पैदा हुआ, इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस अजमत वाले बाप का नाम बता जिसके घर में ऐसा फूल खिला है, वो कबीला तो बता, बता तो सही वो कौन, वो कौन थे? दो घड़ियां रुके हैं पर खुशबू ही फैल गई है, रंग ही बदल गया, तार कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं हूं बोलन दी। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं जनाब बिलाल फरमाने लगे वही तो अल्लाह के आखिरी रसूल है, वही तो खातिमुल मुरसली है, वही तो है जिन्हें अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए नमूना अमल बनाया। कहते हम ऊंट बेचने गए थे पर सारे का सारा कबीला ही मुसलमान हो गया। नबी पाक की हुजूर के जाहिरी हुस्न के तज़करे हमारी औलादों को आने चाहिए। एक शेर मरहूम आजम चिश्ती ने कहा था, कमाल कर दी, कहने लगे समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्ने कायनात, मैं आज तक समझ नहीं सका। समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्ने कायनात। भाइयों वो सारे तरीके अपनाओ जो रसूल पाक ने अता फरमाए।
हुसन भी नबी पाक के तरीकों में है, पाकीज़गी भी नबी पाक के तरीकों में है, बका भी हुजूर के। और जो चाहता है ना दुनिया में सबसे खूबसूरत बन जाए, नजर आए और उसकी खुशबू से लोगों के दिल ठंडे हो, वही तरीका अपनाए जो मेरे नबी ने अता किया है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।